हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस टाइल्स एंड मार्बल फिटिंग पर। ग्रेन आर्ट का किचन हम किस तरीके से बनाते हैं, मॉड्यूलर किचन हम किस तरीके से बनाते हैं, सारी जानकारी देंगे और हम इसका कितना चार्ज करते हैं, कितने रुपए स्क्वायर फीट लगता है, सारी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं, उसके बाद हम आपको इसका रेट भी बताएंगे, कितने रुपए स्क्वायर फीट हम इसका लेते हैं। Thank you.
जब हम ये पट्टी लगाएंगे तो आपको आधा इंची अंदर करके लगाना होगी, जिससे ये पट्टी कभी भी गिरेगी नहीं लगने के बाद। जैसे ये मैंने आधा इंची अंदर करके लगाई है, ये बहुत मेन पॉइंट होता है, लोग इसको आगे बढ़ा के लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम बाद गिर जाती है। आप हमेशा अंदर फंसा के लगाएं। ये हमारा रेडी हो चुका है। हम इसका जो चार्ज करते हैं वो सिर्फ हम ब्लैक काउंटर पर जो ब्लैक ग्रेनाइट लगा है सिर्फ हम उसको नापेंगे, 700 रुपये स्क्वायर फिट। और बाकी ब्लैक के नीचे जो भी सिस्टम है, जो भी हमारे पार्टीशन खड़े हैं, पत्थर लगा है, प्लेटफॉर्म लगा है, वो कुछ भी नहीं नापेंगे। और स्लिप के ऊपर के जो टाइल्स लगे हैं उसका चार्ज अलग होगा। इसकी जो हाइट है वो 32.5 इंच है, इसकी जो चौड़ाई है 25 इंच है, और जो हमारे दीवार पे टाइल्स लगे हैं वो हमारे 2 फिट लगे हैं। आप 2.5 फिट भी लगा सकते हो, 2 फिट भी लगा सकते हो, सबसे बेटर होता है कि आप 2 फिट लगाएं। ये हमारा जो सेल्फ है वो हमारा 25 इंच पर है, ये हमारा 16.25 इंच पर है, क्योंकि जो हमारी बास्केट आती है वो 16 इंच पर आती है। ये 2 सूत मार्जिन लेकर ये हमारा 16.25 का हमें इसको बनाना होगा। ये हमारी 12 इंच पर है, ये हमारा कॉर्नर जो है 12 इंच दोनों साइड से 12.5 इंच पर है। आप सेल्फ खड़े करने से पहले एक बार कारपेंटर से राय ज़रूर ले लें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो फिर आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। जो भी आपका मकान मालिक के परिचित में कारपेंटर हो उससे एक बार राय ज़रूर ले लें सेल्फ खड़े करने से पहले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास